मॉडर्न हिस्ट्री बुक का शुक्रवार को पटना में विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विमोचन किया संदीप कुमार लिखित इस पुस्तक में सत्तावन से उन्नीस तक के भारत के महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया -क्या है इस अवसर पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि ये किताब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत मददगार साबित होगी इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब बिहार में ही सिविल सर्विसेज के प्रतियोगिताओं को सभी सुविधा मुहैया हो रही है वही किताब के लेखक कुमार ने कहा कि ये किताब मध्य वर्ग के छात्रों के लिए बेहद उपयोगी है को बहुत फायदा होगा सर बीपीएससी यूपीएससी और किसी भी एग्जाम बीपीएससी यूपीएससी के लिए स्पेसिफिकली लिखा है बट ये सब एग्जाम के लिए काम करेगा बीपीएससी यूपीएससी के लिए फायदा ये होगा कि उनको अलग अलग जगह से कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कहीं कहीं सिग्निफिकेंसेस बताते हैं किसी इंस्टीट्यूट में किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बताते हैं ये एक बुक है जिसमें सारी चीजें एक साथ लिखी गई हैं तो मेरे हिसाब से यदि दो या तीन दिन कोई दस दस घंटे पढ़ेगा तो ये किताब कंप्लीट हो जाएगी और आई थिंक ये सारे टॉपिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट उनको समझ में आ जाएगा बिहार विधान परिषद के सभापति नारायण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पुस्तक का विमोचन करने पहुंचे थे सीधे बात करते हैं सर ये पुस्तक आज विमोचन करने आप पहुँचे और बहुत सारी बातें भी हुई यहाँ पर ये किताब बिहार के ही एक विद्वान बेटा के द्वारा लिखा गया है किताब लिखने के बाद तो हमारे पास इन्होंने कहा हमसे कि भाई इसका विमोचन करना है इसका लोकार्पण करना है और मॉडर्न हिस्ट्री इसका नाम है ये खास करके उन लोगों के लिए रास्ता दिखाता है वैसे बच्चों के लिए नौजवानों के लिए जो कि कुछ करना चाहते हैं और इस कंपटिटिव एज में कंपटीशन की तैयारी करके और आई आईपीएस एस आई पी एस और भी जो भी उच्च कोटि का जो भी ये है श्रेणी का कि का पद है उसके प्राप्त करने के लिए कंपटीशन के माध्यम करते हैं और इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है अभी तक अब तो सोचा जा रहा है कि हर एक में करने के लिए लेकिन जो मीडियम से तो इंग्लिश की किताब लिख करके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बिहार के लिए और पूरे देश के लिए ये किताब एक गाइड होगा और इसको पढ़ के और इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे तो एक ऑथर जो हैं इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि बहुत सारे यहाँ से आई एस आई निकलते हैं बिहार से लेकिन जो रिवेन्यू होता है वो बाकी जो प्रदेश हैं वहाँ जाता है तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है बिहार में नहीं जाता था अब शुरू हो गया है यहाँ पर भी बहुत से इस तरह की संस्थाएँ खुल रही नहीं हैं प्राइवेट में भी और सरकारी में भी जहाँ लोगों को शिक्षा दी जा रही है कंपटीशन में किस तरह से ये होगा उसको करने के लिए यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है तब यह बिहार में भी हो गया है ये दूसरे में दिल्ली उ जगह अच्छी है ज़्यादा वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है इसलिए लोग जाते हैं लेकिन अब बिहार में भी रहेंगे और संदीप जी जैसे लोग अगर इसमें मदद करेंगे तो यहाँ काफ़ी अच्छा होगा थैंक यू।, यू कैमरा पर्सन विजय के साथ रितेश जी मीडिया पटना